लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कॉन्सेप्ट है आपको, क्रिएटिविटी के जो हम बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके दो हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है वो उसका काम है एनालिटिकल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, मैथमेटिकल स्किल्स, ये सारी न्यूमरेसी, लिटरेसी, लिटरेसी अप टू सम एक्सटेंट। और जो राइट ब्रेन है उसका काम है क्रिएटिविटी, आर्ट्स, राइटिंग नॉवेल्स, डिजाइनिंग, पेंटिंग, शायरी करना, कुछ सोचना, ये सारी जो चीजें हैं ये राइट ब्रेन की है। यहां पे एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, आप सब लोगों ने अपने हैंड्स को सिक्योर करना है, होल्ड योर हैंड टुगेदर लाइक दिस, इज इट विजिबल फ्रॉम द बैक, इस तरह, ठीक है, और अपने हैंड शो करें मुझे, ऊपर उठाए, ठीक है, बिल्कुल क्लोज करना है, ऐसे बंद करना है, जिन्होंने हाथ खोले वो वैसे बंद करना है, ठीक है, जब हम बात करते डिस्कशन करते ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने हाथ खुद ऑब्जर्व करें और देखें कि आपका जो लेफ्ट थंब है वो राइट के ऊपर है या राइट थंब जो है लेफ्ट के ऊपर है। एक मिनट, जिन लोगों आप सही आपने ऑब्जर्व कर लिया, सबने ऑब्जर्व कर लिया, जिन लोगों का लेफ्ट थंब राइट के ऊपर है वो हैंड रेज करें, ठीक है, और जिन लोगों का राइट थंब लेफ्ट के ऊपर है वो हैंड रेज करें, ठीक है, थैंक यू। होता यह है कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है। तो जिन जिन लोगों के लेफ्ट थंब राइट के ऊपर था दे आर क्रिएटिव, और जिन लोगों का राइट थंब लेफ्ट के ऊपर था दे आर मोर एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल टाइप, दे कैन बी बोथ एट द सेम टाइम, ठीक है, ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों पे अप्लाई करके देखा गया है, रिसर्च कहती है कि ये ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, इज इट क्लियर? अब सवाल ये है कि ये हम सब जो ग्रोन अप पीपल हैं, हम एक हमारा फ्रेम ऑफ माइंड बन गया है और हम ये देखते हैं, तो क्या ये चीजें डेवलप नहीं किया सकती? अब जैसे आपने कहा भाई मैं कुछ आ गया ये इंटेलेक्चुअल वाले में या टेक्निकल वाले में, मैं मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, अब मैं जल्दी से अपना कंप्यूटर नीचे कर लेता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिस के जरिए चीज अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, हर चीज आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस। तो इसी तरह से क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग भी प्रैक्टिस चाहती है, ये डेली प्रैक्टिस में आपके होना चाहिए कि आपने हर चीज पे क्यों करना है, आप क्यों करेंगे, आपके बच्चे क्यों करेंगे, आपके स्टूडेंट्स क्यों करेंगे, ये एक हैबिट डेवलप होगी एज अ फैमिली, एज अ क्लासरूम।